हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, और आपका याद रखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम से हैं आप लोग, तो दैनिक जागरण आपके लिए बेहतर न्यूज़पेपर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इसका राष्ट्रीय संस्करण दिल्ली संस्करण पढ़ा करिएगा। सबसे बढ़िया आर्टिकल मुझे अपने आप में बढ़िया लगा मुझे, इसलिए मुझे भी लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये जिसने लिखा है, यशपाल सिंह ने, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। तो इस कानून व्यवस्था यानी कि पुलिस व्यवस्था में जो सुधार की बात है, यानी कि जो समस्याएं हैं, इस पर भी बात की गई है इसमें, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहे हैं तो उन्हें हम लोगों से बेहतर जानकारी होगी। व्यवस्था की खामी से पैदा हो रहे विकास दुबे, इस आर्टिकल में कितना कुछ कहा गया है आप देखिए। हमारा प्रजातंत्र विधि के शासन यानी कानून के राज के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा प्रजातंत्र है, विधि के शासन यानी कि कानून के राज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि कोई आरोपित तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्याय प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे पूर्णतः दोषी साबित ना कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि आपने किसी भी मुजरिम को, यानी कि उसने किया हुआ है कांड, उसके बाद फिर भी उसे दोषी तब तक दोष यानी कि दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक वो न्यायालय ना जाए, यानी कि पूरी प्रक्रिया उस पर ना चले। अभी आपने विकास दुबे के मामले में, कानपुर हत्याकांड के मामले में देखा है, तो यही बात की जा रही है। उससे पहले आप लोगों ने देखा है इंदिरा गांधी के हत्यारे को, उसके बाद आपने देखा है उनने आपका जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसके बारे में भी आपने देखा है, अजमल कसाब को, और इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह को, एक मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, उनके हत्यारे को भी पूरा मतलब न्यायालय गया, उसके बाद पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली, उसके बाद ही सजा दी गई है। और सबसे बड़ी आपने देखा है कि नाथूराम गोडसे को, गांधी जी की हत्या की थी सबको पता था, फिर भी उसे तुरंत एनकाउंटर में नहीं मारा गया, उसे बाकायदा एक न्यायालय पूरी प्रक्रिया चली, उसके बाद ही उसे फांसी हुई है। उन्हें समझ रहे हैं आप लोग, मापदंड रखा गया है कि 99 अपराधी भले छूट जाए परंतु किसी एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यहां कहने का मतलब है कि एक दोषी, 99 दोषी भले छूट जाए लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार निर्दोष व्यक्ति को सजा होगी तो उसका जीवन चौपट हो जाता है। अपराधी तो एक बार छूट जाएंगे, दो बार छूट जाएंगे, तीसरी बार भी पकड़े जा सकते हैं। इसके लिए एक पूरा आपराधिक न्याय तंत्र है जिसके अंग पुलिस है, अभियोजन है, न्यायपालिका है, एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम भी है। इसी के आधार पर मुकदमा चलता है और भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी के तहत दोषियों को दंडित किया जाता है। यह सारा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था, वही हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। पता है जो हमारे मतलब वही है कि आप सोचिए कि पुराने जमाने में लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, तो आप भी वही गाड़ी बैल यूज करने लगी है, यानी कि बदलने अपडेट हो रहा है, 21वीं सदी में जा रहे हैं हम लोग। तो जो कानून अंग्रेज अपने हिसाब से किया करते थे उसी का हम लोग उपयोग आज भी कर रहे हैं, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। कहने का मतलब वे भारत पर शासन करना चाहते थे लेकिन इसी के साथ भी समाज में शांति स्थापित कर भारत की जनता का विश्वास भी जीतना चाहते थे। इसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। आखिर चंद अंग्रेज इतने बड़े बड़े जिलों को कैसे संभाल लेते थे? तब लोगों को विश्वास था कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। अंग्रेजों ने कानून का इकबाल कायम किया तब पुलिस के मुकदमों में किसी गवाह के टूटने या गवाही पर ना जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तत्कालीन समाज की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। लोग झूठ झूठ बोलना पाप समझते थे। क्या लोग झूठ बोलना पाप समझते थे? और इस समय आप देखिए क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और अपराध के साथ साथ देने में बेइज्जती होती थी उस समय। अंग्रेजों के समय आजकल की तरह इनकाउंटर ना के बराबर होते थे। अंग्रेजों के समय जो इनकाउंटर के रेट थे ये ना के बराबर होते थे। हवालात में कोई मर जाए तो ऐसो दंडित हो जाते थे, यानी कि समझ रहे हैं कि अगर हवालात में कोई मर जाए तो उसका थानाध्यक्ष जो वो भी हुआ करता था उसे दंडित किया जाता था। SDM और SP का ही निर्णय लगभग अंतिम होता था, ना कि जाति या फिर पार्टी की बात आती थी, जो अभी आप देख रहे हैं पार्टियों का
इसमें इंटरेस्ट होने लगा है। आपने देखा है कि अलग अलग पार्टियां राजनीति करने लगी हैं विकास दुबे के नाम पर, उसी की बात करें ना ही किसी नेता की टांग घुसती थी इसमें। आज स्थिति बिल्कुल अलग है, नेताजी अपनी टांग हर जगह घुमाए घुसाए पड़े हैं और हर मामले का विश्लेषण जाति और पार्टी के वोटों के आधार पर किया जा रहा है। चूंकि बाहुबली वोट की राजनीति में बहुत उपयोगी होते हैं, अतः हर नेता उन्हें संरक्षण देता है। वे अपराध करने लगते हैं और धन बलि यानी कि धनबल हो जाते हैं उनके पास। आज का हर अपराधी कुछ सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने के बाद माफिया या फिर डॉन बनकर अंधाधुंध कमाई और उगाही करता है। यही आपने देखा है विकास के मामले में भी यही हुआ। अब तो वह विधायक सांसद भी बनना चाहता है और कई बार बन भी जाते हैं। दुर्भाग्यवश हमारा पुराना आपराधिक न्यायिक तंत्र आज जर्जर और प्रभावहीन हो चुका है। विकास दुबे ने अपने आपराधिक जीवन में 60 से ऊपर अपराध किए, इनमें कई हत्याएं भी शामिल हैं। एक राजमंत्री को तो उसने दिन दहाड़े थाने में ही हत्या कर दी थी, फिर भी कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई थी। अब आप सोचिए यार कि आप एक छोटा सा कोई भी गलत काम कर दीजिए, आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और एक सोचिए आपकी वो थाने में मर्डर कर देता है मंत्री का, फिर भी बच जाता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि उस थाने मिली भगत थी, बहुत बड़े लोगों का यानी कि बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ उसमें होगा तभी वो बच सकता है। फिर भी वह बरी हो जाता है उसमें। कमजोरी चाहे पुलिस की रही हो, फिर अभियोजन की या फिर साक्ष्य अधिनियम की, नतीजा तो सुन ही रहा। आखिर ऐसा व्यक्ति दुर्दांत अपराधी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप मूवी देखते हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक हद तक अच्छी तरह से मूवी बनाई गई कि एक राजनेता किस तरह से एक मतलब आप देखते हैं अपराधी को पालता है, अपने लिए यूज करता है, उसका उपयोग करता है और बाद में समस्या आने पर उसे मरवा दिया जाता है। कई मूवियों में आप इसे देखते हैं। वह 31 मामलों में जमानत पर है। कितना? 31 मामलों में जमानत पर है। वहीं आप तमिलनाडु का मामला देखिए कि एक बाप बेटा को किस तरह से बेहरमी से मतलब कितनी क्रूरता से पुलिस ने मार दिया, कितनी पिटाई की, उसके बाद उनकी जान चली जाती है। और एक तरफ इस तरह के मामले में देखिए कि 60 केस हैं फिर भी उसे इज्जत दी जा रही है। क्या जमानत की कोई समय सीमा नहीं हो सकती है? अगर जघन्य अपराध में जमानत देते समय यह भी आदेश दिया जाए कि वह जमानत केवल 1-2 वर्ष के लिए है और अगर जनपदीय न्यायालय ने इसे इस अवधि में फैसला नहीं होता तो जमानत स्वतः समाप्त हो जाएगी तो तारीख पर तारीख लेने का रोग खत्म हो जाएगा। इस एक सुधार से लंबित मुकदमों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आ जाएगी। अब आपने देखा है कि यहाँ कहने का मतलब सीधा सा ये है, किसी व्यक्ति को अगर जमानत मिल भी जाती है तो जब तक कि 1 से 2 साल का उसमें रखना चाहिए कि 1 से 2 साल तक जमानत पर रह सकता है। अगर उसके भीतर अगर निर्णय नहीं होता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि एक केस आता है, उसकी सजा कब बोलती है 20 से 30 साल, इसी में केस चलते चलते गुजर जाते हैं, तब तक वो बेचारा घूमता रहता है, समझ रहे हैं? मतलब वो दिन दहाड़े कुछ भी करता रहता है, मारपीट करता रहता है जमानत पर बाहर आने के बाद भी। दुर्भाग्य से आपराधिक न्याय तंत्र को आज के सामाजिक वातावरण के अनुसार सुधारने का कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं गया है। 1970 के दशक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर की अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग बना, उसने 8 खंडों में व्यापक रिपोर्ट दी थी पर कुछ नहीं हुआ। ये पुलिस सुधार से संबंधित थी। इसके बाद न्यायाधीश B.S. मालीमत की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए पर कुछ नहीं हुआ। इसमें पूर्व DGP विकास सिंह की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधार के आदेश दिए परंतु उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देश को इसका जवाब चाहिए, लेकिन देगा कौन जवाब? मुझे इतना समझ में आने लगा है कि किसी विधायक को आप चुनते हैं, वोट देते हैं, किसी सरपंच पंच या किसी भी को, मैं बता रहा हूं आपके वोट का मुझे नहीं लगता है कि कोई महत्व बचा हुआ है इस समय। अब तो लोकतंत्र पर भी आपके सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि जिसे आप वोट दे रहे हैं आपके वोट का हो क्या रहा है, मतलब क्या है आपका वोट देने का? मतलब कि अगर आपका विधायक आज इस पार्टी से जीतता है जिस पर आपने वोट दिया है, कल दूसरी पार्टी में मिल जाता है, परसों दूसरी पार्टी में मिल जाता है, तो उसने तो आप लोगों को मतलब बेवकूफ बना दिया है ना कि आप वोट देते रहिए और चलता रहे इस तरह से। और आप सोच सकते हैं कि
जब कोई किसी पार्टी का नाम लेना उचित भी नहीं है, क्योंकि इतने गिर चुके हैं कि अपनी मतलब जवान खराब करना है किसी पार्टी का नाम लेना, कि मतलब किसी भी की राज्य सरकार में व्यवस्था आती है या केंद्र सरकार में आती है तो वो अपने हिसाब से सभी एजेंसियों का उपयोग करने लगता है और मतलब दूसरे से बदले की भावना रखने लगता है। क्योंकि आपने देखा है कि अभी राज्य सरकार में अगर इसकी पार्टी है तो ये पुलिस का इस तरह से प्रयोग करेगा कि अपने विरोधियों को दबाने कुचलने में काम करेगा, उसके बाद दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी की सरकार, वो भी यही काम करेगा। सीबीआई इस तरह की एजेंसियों का भी अब लोग इसी में उपयोग करने लगे, सीआईडी, समझ रहे हैं, इसलिए इनकम टैक्स। आज की एक गंभीर समस्या है कि सातिर अपराधियों को साक्ष्य के अभाव में सजा नहीं मिल पाती है, और आप सभी जानते हैं कि न्यायालय आपका साक्ष्य पर चलता है, वो किसी मतलब भावनाओं में नहीं चलता है, उसे साक्ष्य चाहिए होते हैं। और इस तरह के जो अपराधी होते हैं वो बहुत सातिर होते हैं, वो सभी तरह से छूटना जानते हैं। आप समझिए कि साठ, ये तो साठ वो केस है उस पर कि जो मतलब ज्यादा ही रंगीन है, मतलब बहुत तगड़े हैं, वरना सुनते हैं कि 136 से 100 कुछ मतलब 40 तक केस उस पर रहे हैं, फिर भी छूटता रहा। और आप कई को आपने सुना होगा कि मतलब अभी कुछ ही दिन पहले आर्टिकल आया हुआ था कि एक व्यक्ति को किसी में किसी भी मामले में उसे पकड़ा जाता है, उसका 20 साल बाद जब उसका केस का मतलब फैसला आता है तो उस व्यक्ति से कह दिया जाता है कि तुम निर्दोष हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। अब आप ही सोचिए कि 20 साल आपने उसकी जिंदगी के ले लिए, अब आप बोल रहे हैं उससे कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप समझ रह सकते हैं कि इतना टाइम लग जाता है। तो आपकी न्यायपालिका में भी सुधार की मांग की जा रही बहुत लंबे समय से, पुलिस व्यवस्था में भी सुधार की मांग की जा रही बहुत लंबे से समय से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है आपका। इस समस्या का कारण यह है कि कुछ कुख्यात अपराधी न्यायालय में रखे जाने वाले साक्ष्य को सुन्न करना जानते हैं, उनके बाहुबल और धनबल के कारण कोई गवाही नहीं देता है, पैसा लो या फिर मौत, गवाह हुए या संदेश काफी है, उन्हें देर सवेर जमानत भी मिल जाती है, इसके बाद मुकदमा उन्हीं की सुविधा अनुसार चलता है, कोई ना कोई कानूनी अड़चन खड़ी कर तारीख लेते रहते हैं। विकास दुबे ने यही किया, थाने में राज्यमंत्री को दिन दहाड़े मारकर बरी हो जाना एक तरह से असंभव को संभव करना था, वह एक के बाद एक अपराध करता रहा और जमानत पर भी पता रहा, उसके हथियारों के लाइसेंस तक निरस्त नहीं हो सके, उसके सामने आपराधिक न्यायिक तंत्र पूर्णता फैलो और अर्थहीन था। एक बात सोचिए, ये तो डीजीपी रहे हैं तो इन्हें बेहतर मालूम होगा हम लोगों से, आप लोगों से। अभी आपने सुना है 2017 से जब से सरकार बदली है यूपी में कितने एनकाउंटर हुए, कितने मतलब कितने अपराधी मारे गए, फिर भी ये बचा रहा, तो आप सोचिए कि इतना मतलब इसका कुछ तो लिंक होगा, किसी से लिंक तो होगा, तभी तो सेफ्टी रही इसकी है? और यूपी का तो हाल ही बेहाल है, आपने कुछ दिन अभी भी सुनते हैं आप लोग कि कई ऐसे विधायक हुए, सांसद हुए जो जेल में बंद रहे, चुनाव लड़े, फिर भी जीत के सांसद में पहुंच गए, यानी कि जेल में बैठे हुए हैं फिर भी चुनाव जीत रहे हैं, तो या तो जनता को बेवकूफ कह लीजिए या ना समझ कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश की जनता बहुत भोली है, बहुत मासूम है। समुचित साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष पहुंचे, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम कौन सुधारेगा, गवाहों के मुकर जाने की लाइलाज बीमारी कौन ठीक करेगा, जब पुलिस विवेचना के दौरान गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करा सकती है तो फिर 300-500 पेज के आरोप पत्र का क्या मतलब है, विवेचक जो केस के बारे में सब कुछ जानता है उससे कोर्ट में दिए गए बयान को पूरी अहमियत क्यों नहीं दी जाती है, आखिर संदेह का लाभ हमेशा मुलजिम को ही क्यों मिलता है, क्या उस पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लग सकता है, क्या वादी यानी पीड़ित को राज्य कुछ मुआवजा नहीं दे सकता है। आज स्थिति यह है कि वादी तमाम हिम्मत दिखाता है, धमकी और प्रलोभन के बाद भी अदालत के चक्कर लगाता है, पर अक्सर उसे न्याय नहीं मिलता है। आप समझिए कि अगर आप पुलिस गवाहों को सुरक्षा दे, सेफ्टी करें उनकी, तो हर कोई गवाही देने के लिए आगे बढ़ के आएगा, लेकिन सबसे बड़ी तो जिसे हम लोग रक्षक समझ बैठे हैं वही भक्षक निकल रहा है, जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं वही आखिर हमारे ऊपर बुरी तरह से हमारे भरोसे को तोड़ देता है। इसी यही हाल पुलिस का है, आप सोचिए उसमें 8-9 पुलिस वाले शहीद हो गए कानपुर हत्याकांड में, तो इसमें देखा है आपने पुलिस की भगत ही तो थी,
पुलिस ने नहीं तो सूचना दी थी, उन्हीं के विभाग से तो कुछ लोग मिले हुए थे इस अपराधी से, तभी तो आपने देखा है कि 8 किस तरह से शहीद हो गए। तो देखिए कमी तो हर जगह है, आप सुधार करने की तो हर बात से बात चली आ रही, अभी से नहीं आपकी 1970-75 से सुधार की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे देखते हैं आपका क्या होता है। जब ऐसा होता है तो उसके साथ अन्य दूसरे लोग भी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा खो देते हैं। अब आप ही सोचिए कि आप अगर थाने में रिपोर्ट करवाने जाते हैं और आपको परेशान किया जाता है और आपकी अच्छे से मतलब न्याय नहीं मिलता है तो कौन जाएगा? आपको जो जानते होंगे लोग आपके आसपास रहते होंगे वो नहीं जाएंगे, वो डर जाएंगे। तो यही मामला है, समझ रहे हैं? कि मतलब एक अगर एक अच्छा न्याय नहीं मिला एक को तो हजार लोगों का भरोसा टूट जाता है। हमें समझना होगा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम आरोपितों के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब तक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि विकास दुबे खत्म हो चुका है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आज से कुछ पहले एक मिश्रा हुआ करता था गैंगस्टर यूपी में, जिसने एक मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी 6 करोड़ में, और वो सुपारी देने वाले थे जो मुख्यमंत्री के मंत्री ही थे। तो उसका भी खात्मा हुआ तो लोगों के दिमाग में आने लगा, जनता खुशियां मनाने लगी कि चलिए मिश्रा का खात्मा हुआ है, तो दूसरा पैदा हो जाता है, समझ रहे हैं? विकास दुबे के स्थान किसी और ने ले लिया है और वो भी इस तरह से काम करेगा, समझ रहे हैं? इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती है कि हम विधानमंडल में डकैती हत्या अपहरण के आरोपितों को आना नहीं रोक पा रहे हैं। आखिर इसमें समाज में क्या संदेश जाता है? हमारी संस्कृति और समाज ने ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया है, पर आज भी पा रहे हैं, यह शर्म की बात। आज समझिए, मुझे लगता है कि आज के समाज में अगर रावण भी होता तो शायद प्रधानमंत्री बन जाता। जिस तरह से हम मतलब किसी ने, आप सोचिए ईमानदार अगर कोई खड़ा हो जाए चुनाव में तो वो जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सकता है। वही एक मर्डर करने वाला या फिर दुष्कर्मी या फिर कोई मतलब दुष्कर्मी को, किसी हत्यारे को, किसी डकैत को खड़ा कर दिया जाए तो वो संसद में पहुंच जाता है, विधायक बन जाता है, लोकसभा सदस्य बन जाता है। और हमारे समाज को देखिए, संस्कृति को, मतलब कि इस तरह के लोगों को हम लोग नकारते आए हैं, कोई इज्जत नहीं देते आए हैं। और आज के समाज को देखिए, हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। चलिए फिलहाल भुगतिए, देखिए भुगतना जनता को ही है, वो तो अपना पेट भर के चले जाते हैं, लेकिन आपको ही भुगतना है, हम लोगों को ही भुगतना है। अब आप एक सोचने वाली बात है कि 70 साल से आपके यहाँ चला आ रहा है गरीबी हटाओ, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, प्रशिक्षण, रोजगार की बात चली आ रही है। अगर इतने ही ईमानदार नेता होते हमारे यहाँ के तो हम लोगों को अभी तक रोजगार मिल गया होता, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो चुकी होती, सरकारी स्कूलों का आप लोग हाल जानते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था का, सरकारी अस्पतालों का हाल आप लोग जानते हैं कि वहां जाना लोग पसंद नहीं करते हैं, घर में मर जाना पसंद करते हैं। पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा रहा है, क्यों नहीं भेजा रहा है? क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हो रही है। इस मामले में दिल्ली में आप देखिए, आज ही कल रिजल्ट आया हुआ है, 97 से 98% सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आए हुए मार्क नंबर। तो हम मतलब अंधभक्ति करके अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी पटक ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के पैरों पर भी हम लोग बराबर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि भगवान माफ करता होगा। कहने के लिए हम जिंदा हैं, क्या उखाड़ रहे हैं, 70 साल जी लेंगे, हो सकता है कि आप 150 साल 200 साल जीते रहें, लेकिन जाओगे तो कभी? अगर गांधी जी यही जीने की इच्छा रखते, सुभाष चंद्र, भगत सिंह छोटी छोटी उम्र में चल बसे, शहीद हो गए, तो यही होता, आज हम लोग वही मतलब गुलामी भुगत रहे होते। चलिए देते रहिए वोट, कहीं मुझे लगता है कि कभी कोई आतंकवादी खड़ा हो जाएगा तो वो भी जीत जाएगा हमारे यहां चुनाव। शर्म भी होती है, एक कहा सही बात है कि अगर आपके अंदर शर्म नहीं है तो आप एक जिंदा लाश की तरह है, ना तो आपको कोई शर्म कुछ भी, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या सोचते होंगे आपके बारे में कि उसने जन्म आपको दिया है तो कितना अच्छा दिया है।
स्थिति मुझे अभी कल परसों किसी अच्छे नेता का नाम लेना, यार मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों के नाम लेना अच्छा है, क्योंकि अपना नाम लेना, इनके नाम लेना किसी नेता की, अपने आप में अपनी जवान को खराब करना है। मुझे लगता है कि अभी आपने किसी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं आजकल, तो बता रहे थे कि मेरे सांसदों ने अच्छा काम किया है लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस को काबू करने में, ये करने में वो, मतलब भाषण पे दे रहे थे। अब जो भी शब्द इनके लिए, जो घटिया शब्द निकल सके निकालिए। तो यार आप ही सोचिए, आपके विधानसभा या कोई आपका सरपंच या कोई आपका विधायक या फिर कोई सांसद, लोकसभा हो राज्यसभा हो, कहीं आपको देखा है रोड पर कोई? समाज सेवियों को हमने देखा है, उनमें आप सोनू सूद को देख सकते हैं कि बेचारा रोड पर मतलब फिरता रहा। कई ऐसे समाज सेवियों को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा है किसी सांसद को कि वो रोड पर जाकर मदद कर रहा हो किसी गरीब की। इससे बुरा क्या हो सकता है आपके देश में कि एक महिला को रोड पर जन्म देना, बच्चे को जन्म देना की नौबत आ गई है। एक महिला, समझ रहे हैं कि मतलब इतनी भी मदद नहीं कर की जा सकी है किसी ने, ना तो लोगों ने मदद की है, ना ही किसी नेता ने, ना किसी ने, किसी भी ने, ना तो कोई पुलिस व्यवस्था, किसी भी ने। इंसानियत मतलब जितनी हद तक गिर सकती थी उतनी हद तक गिरी है। उस महिला के बारे में सोचिए कि जो जन्म देती है रोड पर बच्चे को, उसके बाद फिर उठ के चलने लगती है। इससे अच्छे तो हम लोग गुलाम सही थे ना, आप ही सोचिए। और दूसरी बात, एक लड़की अपने माँ बाप को, बीमार बाप को 1200 से 1500 किलोमीटर ले जाती है, बीच में कोई नहीं आता है उसकी मदद के लिए कि मतलब कोई सांसद साहब आए या फिर कोई नेता साहब आए, लेकिन जब वो घर पहुंच जाती है तो उससे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। अरे उससे पहले ही उसकी मदद कर दी जाती तो इतना क्यों भुगतना पड़ता उसे? चलिए फिर ये आर्टिकल आप इतनी बुराई अपने आंसर राइटिंग में मत डालिएगा, मालूम चला कि आप फेल हो गए हैं, आपको नंबर 0 मिल चुका है, लेकिन हकीकत इस समाज की है, जो मुझे लगा कि आर्टिकल अच्छा लिखा गया है, अच्छे शब्द यूज किए गए हैं इस आर्टिकल में। तो आप लोगों को बता रहा था कि जग सकें तो जग जाएं, और फिर भी अगर अंधभक्ति करनी है, मुझे केरल मामला, केरल राज्य और दिल्ली राज्य अभी बढ़िया लगा। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, ना ही मुझे लेना देना है, लेकिन मुझे दिल्ली और केरल का मामला वास्तव में अच्छा लगा है पर्सनल, इसलिए बता रहा हूं। चलिए पढ़ते रहिए, अपना काम तो करते ही रहिए, अपनी सेफ्टी रखते रहिए और वोट देते रहिए, जो होगा देखा जाएगा।